नमस्ते, मेरा नाम शैललता भैसल है और मैं आज आप लोग को एक नया चीज़ बताने जा रही हूँ। जो हम लोग पुराना कपड़ा, पुराना साड़ी या पुराना जो पैंट रहता है, जीन्स पैंट वगैरह, ये सबको हम लोग यूज नहीं करके इसे फेंका जाता है, पर हम आज एक नया चीज़ बना के दिखाऊंगी, एकदम सुंदर सा चीज़ बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग एक पुराना जीन्स लेंगे और उसको इस तरह से राउंड शेप में काट लेंगे। उसको काटने के बाद में पूरा उसका साइड को अच्छी तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह का देखिए, आप देख सकते हैं कैसे हम सिलाई कर दिए हैं, इसे सिलाई करना है। उसका बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसे पुराना साड़ी को, ऐसे पुराना साड़ी को हम लोग लेके इस तरह का एक एक पीस कर देंगे। इस तरह का देखिए, ये साइज़ का आप लेंगे, ये साइज़ का लेंगे और पीस पीस काट देंगे। इसके बाद में इसको इसे स्क्वायर पीस में काटना है। स्क्वायर पीस काट के हम लोग को फिर फ्लावर बनाना है। इसको इस तरह से इसे देखिए, इस तरह से मोड़ना है। इसको इस तरह से मोड़ के इसको फ्लावर बनाना है, ऐसे फ्लावर बनाना है। देखिए अच्छी तरह से, और एक बार दिखा दे रही हूँ, इस तरह से इसको पहले इसे मोड़ेंगे। देखिए पहले इस तरह इसको मोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करके ये ऐसे बना के इसको फ्लावर बनाना है। देखिए मैं बना के रखी हूँ, और इसको फिर इस तरह से स्टिच कर देना है। यहाँ से देखिए इसको ऐसे स्टिच करना है। देखिए मैं पहले से बना के रखी हूँ, इस टाइप का बहुत सारा इसे बना के रखना है सिलाई करके। देखिए फिर ये फ्लावर्स जो हम लोग बना के रखे हैं, उसको एक एक लेके राउंड में, राउंड शेप में सिलाई करना है। देखिए इसको इस तरह से लेके एक एक करके सिलाई करना है, यहाँ पर इस तरह से इसको सिलाई करते जाएंगे। इसे सिलाई करते जाएंगे, ये हुआ और एक हुआ, यहाँ पर इसे लगाते जाएंगे एक एक करके। देखिए हम लोग जैसे अभी सिलाई करते जा रहे हैं, इसे पूरा राउंड शेप में इसको एक एक तो सिलाई करके पूरा राउंड में करना है, और सेकंड लेयर भी ऐसे करके लेना है। देखिए यहाँ से लेंगे, ये जो है इसका बीच में लेंगे, इसका बीच में लेंगे, यहाँ से ऐसे करके लेंगे सेकंड लाइन, इसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से डालेंगे, उसका बाद में हम देखिए इसको हम पहले से इसे बना के रखे हैं, इसे बना के रखना है, फिर बीच में यहाँ फ्लावर डालना है। देखिए ये सब ऐसे फ्लावर बनाने के लिए भी हम लोग को कपड़ा लेना है, जैसे इस तरह का कपड़ा लेके इसको यहाँ से सिलाई कर देना है। देखिए फिर हम ऐसे पूरा क्लियर कर लेंगे, पहले पूरा बना के सिलाई कर लेंगे, उसका बाद में बीच में जो रहेगा इसको इसमें फ्लावर डालेंगे, इस तरह का फ्लावर डालेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ना पहले इस टाइप का कपड़ा को ले जाना है, लेके फ्लावर पहले बनाना है। ये भी ऐसे भी कपड़ा लेके बना सकते हैं, कोई भी साड़ी का भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग काटे पहले से कटिंग किए थे उस टाइप का। इसको पहले क्या करेंगे, इसको स्टिच कर देंगे इस टाइप का। देखिए आपको बता दे रहे हैं फ्लावर कैसे बनता है, ये पहले ऐसे करके को स्टिच करना है, यहाँ से देखिए पूरा सीधे से इसको छोटा छोटा करके ऐसे स्टिच करना है। देखिए इस टाइप का, इस टाइप का आप पूरा सिलाई कर देंगे पहले, इस टाइप का पूरा लास्ट तक।
कोई भी कलर का आप कपड़ा ले सकते हैं, या वही कपड़ा जो साड़ी सब है इस टाइप का काट कटिंग करके आप फ्लावर बना सकते हैं। जैसे ये एक कलर है, ये एक कलर है, ये कलर है, इस टाइप का आप फ्लावर छोटा बड़ा करके भी बना सकते हैं। देखिए आप एक फ्लावर बना लेंगे तो आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं, आपका जैसे पसंद रहेगा वैसे आप बनाइएगा। बड़ा बड़ा साइज का बनाना है तो बड़ा बनाइएगा, छोटा बनाना है तो छोटा बनाइएगा, आपका फ्लावर का हिसाब से आप बनाइएगा। देखिए इस तरह का पूरा सिलाई करना है, इसको यहाँ तक लाना है और इसको क्या करिएगा आप इसको खींच देना है इस तरह से, आपको सूता को पूरा खींच देना है। सूता है इसको पूरा खींच देना है, बीच से यहाँ से पूरा सिलाई किए थे ना, इधर से पूरा एंड तक, तो फिर उसको खींच देंगे तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे खींच देना है तो ये फ्लावर शेप में आ जाएगा। देखिए अब कैसे बन गया फ्लावर, देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लावर बन गया। देखिए इस तरह का देख सकते हैं आप, कितना अच्छा कितना सुंदर दिख रहा है फ्लावर। इसको यहाँ से फिर स्टिच कर देना है, इसको यहाँ से इसको कवर कर देंगे स्टिच करके, ऐसा फ्लावर बन जाएगा। देखिए देखिए कितना मस्त बन गया है, कितना अच्छा दिख रहा है। अब कोई भी कपड़ा कलरफुल का ले सकते हैं, साड़ी वगैरह भी ले सकते हैं, साड़ी का भी वही साइज़ का कपड़ा काट के उसको फ्लावर बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हो गया, इसको फिर हम लोग कंप्लीट करके कवर कर देंगे। देखिए हम किस तरह से आपको बनाना सिखाएं, फ्लावर बनाना सिखाएं, उस तरफ का आप हर कलर का भी बना सकते हैं, जैसे हम पहले से बना के रखे हैं। देखिए छोटा बड़ा करके आप उसको फिर बीच में स्टिच कर देंगे, जैसे ये हुआ इसका ऊपर भी फिर ऐसे आप इसको लेके ऐसे स्टिच कर सकते हैं और भी कलर आ जाएगा। इस तरह से करके इसको इस तरह करके बीच में आप इसको लेके यहाँ से फिर स्टिच कर देना है। देखिए इस तरह से इसको पकड़ेंगे और ये बीच से इसको लेके सिलाई कर देना है, इसको स्टिच करना है। देखिए इस तरह का ये जो है ये हुआ, देखिए हो गया। देखिए अभी बना के पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का, कितना अच्छा कलरफुल दिख रहा है। आप भी अपना घर में ट्राई कीजिए इसे बनाने के लिए, जो पुराना कपड़ा सब में हम लोग यूज करके बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो को आप सबको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके कर दीजिएगा, ताकि आप सबको मेरा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। नमस्ते।